आज हम जाने वाले हैं दुनिया के 1000 टॉप रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में शुमार इंडिया के 4 सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में। अब चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग किस हद तक सही निकलती है। कसम से बोल रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। तो भाई किसने सोचा था कि दुनिया की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली वर्ल्ड बेस्ट रेस्टोरेंट सिलेक्शन की ये लिस्ट ला लिस्ट टॉप 1000 रेस्टोरेंट में इंडिया के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 27 रेस्टोरेंट शुमार होंगे। लेकिन आज मैंने बेड़ा उठाया कि आपको दिल्ली में मौजूद इस लिस्ट के उन 4 रेस्टोरेंट्स में लेकर जाऊं जिन्होंने इस लिस्ट में शामिल होकर हमरा तो छाती चौड़ा कर दिया। और दिल्ली के बाहर वाले बजट कम था यार। तो चलिए आपको लेके चलते हैं टॉप 1000 रेस्टोरेंट की इस लिस्ट के पहले रेस्टोरेंट ने जिसने इंडिया में 9th स्पॉट और वर्ल्ड वाइड 79% का स्कोर अचीव किया है, एंड दैट रेस्टोरेंट इज बुखारा बाय आईटीसी मौर्या। कोई भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी नहीं है जिसने यहाँ पर नहीं खाया होगा। यहाँ पर हिलरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, फेरेरो रोशर और इनफैक्ट इनकी एक पूरी वॉल है जो की उसी चीज के लिए डेडिकेटेड है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आज की वीडियो के बारे में बताना चाहूंगा कि आज की हमारी लिस्ट की जितनी भी लोकेशंस है ना वो सारी की सारी 5-star में है। सो बेसिकली ये रेस्टोरेंट ना 1977 में एस्टैब्लिश हुआ था और तब से ये इसी तरह का ही मेन्यू सर्व कर रहा है। और इनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप डेकोर आप देखोगे, दैट इज द ओल्ड पंजाब स्टाइल का जो ढाबे स्टाइल का सेटअप होता है। मतलब एक 5-star होटल में बैठकर आप एक ढाबे स्टाइल के सेटअप में खाना खा रहे हो, तो भाई खाना इनका नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इंडिया का बिगेस्ट नान है, इनके पास रिकॉर्ड भी है। तो बेसिकली यहाँ का एक ट्रेडिशन है, अच्छा बुरा आप बताना, कि यहाँ पर ये लोग फोक या स्पून आपको कुछ भी नहीं देते खाने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने सिकंदरी नान है विच इज तंदूरी लेग ऑफ अ लैम्ब और इसको हमें हाथों के साथ ही खाना पड़ेगा। तो भाई इनका पहली डिश का ही फैन हो गया यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, इसको कोई दाल मखनी नहीं बोलेगा। अभी तो ये हमारी रैंकिंग में 14 नंबर पे है, पर ये शायद पुअर ऊपर भी होता तो मेरे को हैरानी नहीं होती। टेस्ट फैंटास्टिक, दाल का ऐसा स्वाद है कि मतलब निखर जाने वाला माय गॉड, बहुत टेस्टी। माय मेरी ख्याल से इसकी रैंकिंग 100% जस्टिफाइड है। मेन नजरों में दिस इज रियली गुड। लेकिन चलिए आपको दिखाता हूँ आज की टॉप 1000 रेस्टोरेंट की लिस्ट में दिल्ली का अगला रेस्टोरेंट। अक्षय तेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे? 90%। लेकिन हमारी लिस्ट का अगला रेस्टोरेंट इस टॉप 1000 रेस्टोरेंट की लिस्ट में 90% नहीं ला पाया, लेकिन फिर भी 82% स्कोर इंडिया में 8th रैंकिंग के साथ द लीला पैलेस का, मतलब समझ रहे हो ना, होटल की लग्जरी समझो और मेरी आवाज इसीलिए थोड़ा कम है। लीला पैलेस का मेगू रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक जापानीज रेस्टोरेंट है हमारी आज की लिस्ट का अगला रेस्टोरेंट। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि डोरेमोन का एनीवेयर डोर खुल गया और मैं जापान में आ गया हूँ। ये पूरा सुशी बार होता है, मतलब यहाँ पर हम बैठ कर लाइव द रिप्रेजेंटेड फील। बेसिकली अभी के लिए तो आई हैव ऑर्डर्ड एस्पैरेगस टेम्पुरा बिकॉज हमारा टेस्ट पैलेट तो आज तक उसी को अडैप्ट कर पाया है। पहले मैं ये ट्राई करता हूं, प्लीज आस्क। ये बहुत टेस्टी है, मतलब ये वाली एक सुशी है जो कि इंडियन पैलेट को काफी सूट करती है। अगर मैं दूसरी डिश की बात करूं तो ये बेसिकली यहाँ की सिग्नेचर डिश है, दिस इज द येलो टेल कारपाशियो। इसको खाने की हिम्मत थोड़ी कम हो रही है वैसे मेरी। बेटा I did not expect it. This is tasty. So honestly guys, बताऊं तो मेरे हिसाब से 8th number spot इस restaurant के लिए justified है और ये definitely India के top restaurant की list में होना deserve करता है। तो अपनी जेब से 15,000 रुपए ढीले करने के बाद और बहुत ही कमाल का खाना चखने के बाद अब मैं पहुंचाऊं अपनी आज की लिस्ट की तीसरी लोकेशन पर। और पता है पेट में खाने की गुंजाइश वो कम बची है, लेकिन जब बात हो इंडिया के 5th number के रेस्टोरेंट की और लाल लिस्ट टॉप 1000 रेस्टोरेंट्स के 82% स्कोर करने वाले रेस्टोरेंट दम पुक्त बाय आईटीसी मौर्या की, तो भाई मेरे पेट में भी जगह अपने आप बनी ही जाएगी। तो चलिए चलकर यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ इनकी रैंकिंग जस्टिफाइड है या नहीं। एकदम
ये जगह ऐसी है 1760s में किसी फॉर एग्जांपल एम्परर के यहाँ एक शाही डिनर पर बैठे हैं, बिल्कुल वैसा ही सेटअप है। मेन्यू देखना, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं किसी की शादी का कार्ड पढ़ रहा हूँ। और इनफैक्ट आप जानकर हैरान होगे कि इनकी जो स्पेशलिटी क्यूजीन है जिसने इनको इंडिया की टॉप लेवल रैंकिंग में लाया, दैट इज द अवधी क्यूजीन, जो कि लखनऊ में ज्यादा मिलती है, जैसे कलौटी कबाब, जैसे बिरयानी, जैसे काकोरी कबाब। ओके भाई, अभी अभी खबर लगी है कि ये चम्मच भी चांदी की है। और मैंने वैसे पूछा भी था कि अगर मिस हो जाता है आपके यहाँ से कोई चम्मच तो पता लगता है, तो वो कह रहे थे बस शाम तक लौटा देना। चांदी की चम्मच से खा रहा हाय, ये जो डिश है ये बहुत टेस्टी है। इनके ककोरी कबाब के टेस्ट ने तो मेरे को बता दिया कि वाई दिस रेस्टोरेंट इज ऑन द 5th स्पॉट। बेसिकली इनकी स्पेशलिटी है दिस इज द दम पुख्त बिरयानी। आप किसी से भी अगर इस रेस्टोरेंट के बारे में सुनोगे ना, तो आप इनकी बिरयानी के बारे में सबसे पहले चर्चा सुनोगे। इसका जो टेस्ट है और रॉयल देसी घी का स्वाद चावल जो तू टेस्ट कर पाएगा। इस रेस्टोरेंट के बारे में मेरा सेम ओपिनियन है कि हाँ, ये अपना 5th स्पॉट डेफिनेटली डिजर्व करता है। लेकिन अब बारी है आपको लेके जाने की इंडिया के नंबर 1 रेस्टोरेंट और इस लिस्ट के भी नंबर 1 रेस्टोरेंट की, जो कि दिल्ली में ही है। चलो वहां चलो। तो आज की लिस्ट का आखिरी और इंडिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट दिखाने में आपको लेकर आया हूँ 5-स्टार होटल लोधी में, और 5-स्टार होटल लोधी की लग्जरी और यहाँ का खाना मैंने आपको इस 20,000 रुपए वाली पानी पूरी की वीडियो में दिखाया था, शायद आपको याद होगा। इसी होटल की बाउंड्रीज में वो रेस्टोरेंट स्थित है जो पिछले 8 सालों से इंडिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट बना हुआ है। जिस रेस्टोरेंट के खाने को रणवीर बरार जैसे शेफ मॉडर्न क्यूजीन की मिसाल बोलते हैं, पूरी दुनिया के लिए मॉडर्न इंडियन क्यूजीन की मिसाल। भाई ये रेस्टोरेंट वो बच्चा है जो क्लास में बार बार टॉप आता है, लगातार टॉप आता है, मतलब मेरे जैसे। तो भाई तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, मतलब जो भी हो, पेश है शेफ मनीष मेहरोत्रा का इंडियन एक्सेंट। उम्मीदें बहुत ज्यादा टिकी हुई हैं कि ये अपनी रैंकिंग पे खड़ा उतरे, ये बहुत जरूरी है। मतलब डेविड बेकम जी भी इंडियन एक्सेंट में खा के गए हैं। जहाँ हम बैठे हैं ना, सोच एक टाइम में वहाँ डेविड बेकम में खाओगा। आज पप्पी ले ले इस सीट किया जा। और ये सब पता है किसकी वजह से हो रहा है? हमारे फॉलोअर्स की वजह से। गाइस आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, तब हम आपको ऐसी चीज दिखा पाते हैं और आपको दिखाने के चक्कर में हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो दिस इज अ वेरी थैंक यू फ्रॉम माय साइड टू यू। अब सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस पर नजर मारो। ये है ब्लू चीज नान और ये है मशरूम सूप। ओ, पहली कॉम्प्लीमेंट्री चीज चखते ही मेरे को मजा आ गया। जो स्मेल आती है ना, ये कड़ाने की, तू सोच वो स्मेल तू टेस्ट कर रहा है। देखो वैसे ये जगह जो है इंडियन एक्सेंट, ये इंडिया के अलावा न्यूयॉर्क और लंदन में भी है। लेकिन आपको ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पर जो पहला मैंने कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टर खाया ना, उसके बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये जो पुचका आया है ना, ये भी हमारे टेबल पे 750 रुपए का, ये कसम से 20 रुपए में मिलता है यार। खाने में पता नहीं कैसा निकलेगा। इस तरह का पानी और कहीं नहीं मिलेगा, पर बाकी सारी चीजें बिल्कुल से नंबर 1 रेस्टोरेंट से मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, बहुत ज्यादा, कई ज्यादा। और ये ट्राई करूं, कसम से बोल रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी कि मैं डिसअपॉइंट हूँ। मतलब फैंसीनेस, प्रेजेंटेशन सब कुछ एवन है, पर टेस्ट निराशा वाला है। और आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि दिखने में नहीं लग रही बट ये मेन कोर्स की डिश, ये चावल और ये पनीर जिसका नाम है 7 layer पनीर along with tangy tomato salmon along with rice. 2 tomatoes on the sides. हम घर वाला पनीर नहीं है ये नहीं बोलूंगा, बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये अपने 1500 रुपए के प्राइस को नॉट एट ऑल जस्टिफाई। तो ये आज के दिन की आखिरी स्पेशलिटी 700 रुपए की दौलत की चाट, और इसका भी टेस्ट ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत एवरेज है। आज की इस वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो भाई बहुत ही दुख दिल के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि इंडिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट, हमारी लिस्ट का नंबर 1 रेस्टोरेंट शायद अपनी रैंकिंग जस्टिफाई नहीं कर पाया। मतलब आज के जिसके बाकी तीन रेस्टोरेंट्स अपनी रैंकिंग को बैंग ऑन जस्टिफाई कर रहे थे, परिवरा रेस्टोरेंट जस्ट नॉट मेकिंग इट। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है और आपका फेवरेट नंबर 1 रेस्टोरेंट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग, ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा।